आज मैं आपको लेकर आ गया गोवा के बनपाव की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे पूरे ट्रेडिशनल तरीके से डेली के 10,000 यूनिक वैरायटी के बनपाव लगाए जाते हैं और साइकिल से इसे पूरे गोवा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं इनके बनपाव बनाने का प्रोसेस देखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे लकड़ी को ले जाया जा रहा है और इसको यहाँ पे भट्टी में डाला जाएगा और इसी से हम पाव बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो एकदम पुरानी यहाँ पे भट्टी लगी हुई है और यहाँ पे उसमें लकड़ी डाली जा रही है। आटे को मेजर करके यहाँ पे निकाला जाएगा और उसके बाद मिक्सिंग की जाएगी। मिक्सिंग के लिए जाएगा, वो दो एटम का होता है, एक ही एटम का नहीं होता है। ब्रेड दो वैरायटी का मैदा यूज करते हैं। हाँ, दो दोनों वैरायटी के जैसे यहाँ पे मैदा मिक्स किए जा रहे हैं। तो अच्छे से ईस्ट को यहाँ पे मिला दिया गया है। तो भैया इससे क्या रहेगा? इसमें अभी पानी डाला जाएगा। पानी मिलाया जाएगा अच्छे से। देख सकते हो यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है और एकदम बढ़िया सा यहाँ पे डो रेडी किया जाएगा। अभी 10-15 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे जैसे तो 5 मिनट हो चुके हैं, आटा यहाँ पे अच्छे से गूंदना स्टार्ट हो चुका है। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं, मैदा जैसे तो डो फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है। अभी साइनिंग करने के लिए कलर मंगा। यहाँ पे डेकोरेट हो चुका है, रेडी हो चुका है। आप एक एक करके देख सकते हैं इसको और करके यहाँ पे निकाला जा रहा है। मैदे के डो को यहाँ पे अच्छे से ढक दिया गया है, इसको 2 घंटे ऐसे ही ढका जाएगा ताकि अच्छे से फूल जाए। तो अभी मेन प्रोसेस करेगा, मेन अभी आटा इसको अतो कर पलटी कर फिर उसको पलटी करना पड़ेगा, फिर तब गोली मारना पड़ेगा। हमने इसको 3 घंटे से ढक के रख दिया, इसकी यहाँ पे पलटी मारी जाएगी। जितना भी डो रेडी किया था पलटी मारी जाएगी। पलटी मारने का प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद क्या करेंगे भैया? इसके बाद इसका फरमा में डालेंगे साचा में और पूरी का अतो करेंगे। पाव में डाल के हमारा पाव यहाँ पे रेडी किया जाएगा। जितना आटा है उसका ठीक टेम्परेचर देखा जाता है, 24 घंटा आग रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके हमारे यहाँ पे पाव रेडी किए जा रहे हैं। एक ट्रे में 8 पाव रहते हैं और अच्छे से उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है। फटाफट यहाँ पे काम चल रहा है, स्पीड देख सकते हो भैया की यहाँ पे। तो अभी तो आपको ये साइज में छोटे छोटे दिख रहे हैं, बट ओवन में जाते ही ये बहुत बड़े साइज में हो जाएंगे। तो साइज बड़ा हो जाएगा भैया इसका, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फूकेगा। ये पूड़ी के लिए, पूड़ी के लिए। हाँ, तो इसी भी टायर होती है, वो बाकरी आता है उसको। तो यहाँ पे बेके करके देख सकते हो पूड़ी बनाई जा रही है, बाकरी उसको बोलते हैं, उस जगह पूड़ी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके यहाँ पे पूड़ी के लिए डो लगाए जा रहे हैं। तो भैया ये पेड़ी लगा दिए, इसका क्या करेंगे? ये इसको रखेंगे इधर फूकने के लिए थोड़ा दिन टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको अच्छे से यहाँ पे रखा जा रहा है। तो यहाँ पे लकड़ी के रैक्स रखे हुए हैं एक एक करके, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको अच्छे से ब्रेड के डो के साथ यहाँ पे भर दिया जाएगा। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारे पाव लग के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और बड़ी बड़ी ट्रेस में इसको लेके जाया जा रहा है। अब इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो अभी भैया ट्रे में यहाँ पे लग चुके पाव, अब क्या करेंगे इसके बाद? इसको फूकने के लिए रखते हैं, फूक जाएगा तो भट्टी के अंदर जाएगा एक एक करके। तो कितनी देर रखेंगे इसको पकने के लिए? अभी बहुत सारा रखेंगे। हमारी नेक्स्ट आइटम यहाँ पे रेडी की जा रही है कातरे पाव। तो यहाँ पे एक एक करके लकड़ी की ट्रे पे कातरे पाव यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो पूरी यहाँ पे ट्रे को अच्छे से सेट किया जाएगा। तो इसकी आप शेप देख सकते हो, एकदम सिलेंड्रिकल शेप में इसको बनाया जाता है और फूलने के बाद इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक कुंडा है, ये कुंडा होता है। हाँ, तो कुंडे में देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे बेल के बेलकर लगाया जा रहा है। उसमें कुंडा लीफ डायबिटीज पेशेंट के लिए है, इसमें 0% शुगर है, 0% शुगर। हाँ, इसीलिए डायबिटीज पेशेंट के लिए सेपरेट। तो यहाँ पे हमारी ट्रे आ चुकी है, अब एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो कुंडा पाव को यहाँ पे लगाया जाएगा। एक एक करके देख सकते हो इसको भट्टी में यहाँ पे डाला जा रहा है और 5 से 7 मिनट में इसको हम रेडी कर लेते हैं। बहुत ही पुराने जमाने की भट्टी है, एक साथ देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे पाव बन जाते हैं। फाइनली हमारे यहाँ पे उंडा पाव यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं, अब इसको यहाँ पे अंदर से निकाला जा रहा है। तो राउंड ब्रेड के बाद यहाँ पे देख सकते हो पाव को यहाँ पे डाला जा रहा है, जो पाव रहते हैं वो ट्रे में लगाए जाते हैं। तो एक एक करके ट्रे यहाँ पे सेट की जा रही है। तो जब हमने पाव रखे थे इसका छोटा साइज था, अब देख सकते हो थोड़ी देर बाद इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है पहले से और अच्छे से फूल चुके हैं ये। तो फाइनली देख सकते हो गर्मा गर्म पाव यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं। एक एक करके यहाँ पे ट्रे निकाली जा रही है, खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया आ रही है। एक एक करके सभी ट्रे को यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे पाव लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकन के साथ खाते हैं, भाजी के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके पाव को यहाँ पे निकाला जा रहा है ट्रे से और अब यहाँ पे लगा लिया जाएगा। अब अच्छे से पाव को यहाँ पे सेट कर लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पाव को एक एक करके यहाँ पे सेट किया जा रहा है। तो भैया अभी क्या बनाने जा रहे हैं? एक काकन है। काकन जी। तो शेप क्या रहती है इसकी? चूड़ी वाली जैसे रहती है। अच्छा, चूड़ी वाली शेप रहती है जी। तो देख सकते हो एकदम बैंगल शेप में अब इसको लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो बैंगल शेप के ब्रेड्स यहाँ पे आ चुके हैं, अब एक एक करके इसको यहाँ पे ओवन में यहाँ पे डाला जाएगा। तो बैंगल ब्रेड को भी देख सकते हो अच्छे से एक एक करके यहाँ पे अंदर सेट किया जा रहा है और इसको 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से यहाँ पे बेक किया जाएगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट 10 मिनट
10 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो ये वाले कौन से आपने रेडी किए? वो डायबिटीज का, डायबिटीज वाला रहता है ये। तो बैंगल शेप के बन यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं। कलर देख सकते हो, तो बढ़िया सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो भैया रेडी है ये? हाँ ये रेडी हो गया। तो फाइनली देखते हैं, हमारे यहाँ पे पाव बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको साइकिल में ले जाया जाएगा और ये लोकल यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। तो भैया कैसे ले जाते हैं इसको, थोड़ा बताइए। तो आज आप क्या क्या वैरायटी लेके जा रहे हो यहाँ पे? कातरे पाव। कातरे पाव, ये राउंड ब्रेड। तो कितने दिन तक चल जाता है ये? लमसम में 2 दिन तक रख सकते हैं इसको। तो फाइनली देख सकते हो भैया यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो गोवा में देख सकते हो पाव कैसे सेल किए जाते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे साइकिल में इसको रखा जाता है पाव को, और डिफरेंट वैरायटी के पाव रखे जाते हैं। तो फाइनली बेकरी की यहाँ पे सारी आइटम्स रेडी हो चुकी है। तो मैम क्या क्या वैरायटीज रहती है? ये है पोई, कतरे पाव। कतरे पाव, कतरे पाव आल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाई ब्रेड। फिर उंडा, फिर पाव, नॉर्मल पाव, नॉर्मल पाव, और ये बैंगल। और प्राइसेस क्या क्या रहता है इनके? सब 5 रुपीज 5 इच। जो भी आइटम है 5 रुपए की है यहाँ पे। खाली ये बैंगल 6 रुपीज। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए किसी को ऑर्डर करना। 7887582877। और अगर किसी को यहाँ पे आके लेना तो एड्रेस बता दीजिए। ये ओल्ड गोमंतक कॉलोनी बाटले चिंचोले, वो गवर्नमेंट स्कूल है। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पे सारी वैरायटीज के बन यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पे बैंगल शेप का मिल जाएगा। तो देख सकते हो ये है इनका बैंगल शेप बन, और यहाँ पे देख सकते हो ये है इनका जो जिनको शुगर हुई होती है वो लोग इनको खाते हैं। और आपको बटरफ्लाई बन मिल जाएगा, आपको नॉर्मल पाव मिल जाएगा। तो ये है इनका राउंड शेप बन, इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना ये। तो इनके बन जो है बहुत ही फ्रेश रहते हैं, और अगर आप गोवा में आ रहे हो और बढ़िया से बन खाना चाहते हो तो यहाँ पे आके इनसे ऑर्डर कर सकते हो। ज़्यादातर गोवन लोग जो होते हैं वो इसको चिकन के साथ खाते हैं, ग्रेवी के साथ खाते हैं, वेजिटेबल के साथ खाते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे ट्रेडिशन में रहता है। तो अगर आप भी गोवा विजिट कर रहे हो और इसको ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो शाना बेकरी में, और इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो अब इनके डिफरेंट वैरायटी के बन इन्जॉय करता हूँ, और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।